हेलो जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। और आपको एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ, आप भी बोलोगे हमारे घर में कैसे कैसे ऊट पटांग लोग रहते हैं। ये देखो लामा जी, राम राम। दोस्तों जूता साहब कहाँ के, ये देखो। ओहो वाश बेसन में दे रही है फां, पर देसी, इतने भी देसी क्या बनना अपने को है। लाइट चालू करना, चिपक मत जाना। हाँ आए है, ये देखो दोस्तों, ये देखो जूते रगड़ रही, वो भी सरसों मिट्टी, उसमें से लिए बाथरूम में से। देख रहे हो दोस्तों इसके लक्षण, ऐसे ऐसे काम करती है। देख लो जूतियाँ साफ कर रही है ऐसा। अब क्या कर सकते हैं बताओ, ऐसे लोगों का अपन क्या करें। अपने देश में ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो करते जाए वाश बेसिन में काम, और सारे के सारे दे बगा कर दिया। तो मैं तो अपना कर रहा हूँ। अरे यार दोस्तों बोलो ना कि रावी आई, अब दिखाऊंगे रावी को क्या बोल रही है। तो दोस्तों आज एक बात बताता हूँ मस्त। एक रावी के कपड़े वगैरह सामान वगैरह ऑर्डर किए हुए, तो देखिए आज उनका मैसेज तो आया कि डिलीवर हो जाएगा। उसको आज को 15 दिन हो गए, लेकिन 15 दिन बाद में हो सकता है आज डिलीवरी हो जाए। तो डिलीवरी हो जाएगी तो आपको दिखाएंगे फिर क्या क्या आया क्या क्या नहीं आया। इसका थोड़ा स्कूल का सामान भी मंगाया था और थोड़ा वैसे भी मंगाया था, तो आज आते देखते क्या क्या माल आता है क्या क्या नहीं आता। तो बने रहो आप लोग में। रावी को बाहर नहीं आ रही है, वो तो छुपके बैठी हुई कि वीडियो बना रही है, इसलिए मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। आपको तैयार व्यार हो जाए उसके बाद। तो लो जी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। और ये देखो ओए होए दोस्तों, देखो अकेला होने के फायदे तो पूरे उठाती हो तुम। याद आ गई, चलो इधर जाओ खुद के लिए दूसरा बना लो। रब भाई साहब एकदम चिल्ड दोस्तों, देखो पानी टपक रहा है भाई। और फिर बोलती हूँ मैं टसक गई, मैं पहले बाहर निकाल के जाना। हाँ तो अब निकाल लो। टेढ़ी टेढ़ी क्यों देख रहे हो गिलास को, ये देखो फिर देखिए दोस्तों पीला। आप मैं तो बना लूंगी, आज हमारे पार्टी आ गई वैसे ऊपर वाले तो कोई बात नहीं, खुद राजी हो जाओ। और दोस्तों आज एक और गुड न्यूज़ ये है कि हमारे घर में एक और नन्ना मेहमान आ गया, और वो नन्ना मेहमान है 1.5 टन का एसी 3 स्टार AC लोहेड का। तो पहले 5 दिन से उसके इंस्टॉलेशन का वेट करते करते फाइनली एक और एसी लग चुका है हमारे घर का। और सेकंड बात ये कि जल्दी हमारे इस जगह भी एसी लग जाए तो बहुत बढ़िया रहे। क्यों, क्योंकि कूलर के सामने नहीं, इस गर्मियों में नहीं, इस गर्मियों में पैसे भी जरूरी है। पानी चला इस बार दोस्तों खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया, तो इस चक्कर में इस वाले एसी को पेंडिंग छोड़ेंगे। अब देखते हैं थोड़े दिनों बाद में फिर देंगे फाप। आ जाओ दोस्तों रू अब पी लो, आ जाओ। ओ हो देखो ठंडी ठंडी दोस्तों, अभी पानी देखो आहा, मतलब नक चढ़ी बेटू। और दोस्तों अभी थोड़ी देर में आपको एक और चीज़ दिखाएंगे जो कि है रावी के क्या क्या सामान आ गए। वो सामान सब कुछ आ चुके हैं आपको थोड़ी देर में। अभी रावी फ्री हो जाएगी, खेल रही है अभी, तो जब फ्री हो जाएगी तब तो आपको दिखाएंगे। छोड़ के आ गए, अभी फिर वो घूमेगी, फिर वापस भाग के आएगी और सोने का टाइम हो जाएगा। ओ न्यू पानी बंद करना। और दोस्तों रावी मैडम ने आज खर्चे भी बहुत ज़्यादा करवा दिया। खर्चे में बताऊँ क्या क्या खर्चे भी क्या क्या है। एक तो ग्रिल सैंडविच मंगा लिया और एक पिज्ज़ा मंगा लिया कि नहीं आज तो खाना ही है, अब बच्चों को कौन समझाए। ले फिर इस बहाने हमारा भी क्या टुचमुच काम हमारा भी थोड़ा सा हो जाता है, तो हम फिर उसको मना नहीं करते कि हाँ भाई तू खाया मत खा। क्यों लाम्बू, ओ लाम्बू ये देखो फिर ठंडे दूध की देखी तो फाप। वो तो रख दो, मैं बना रही हूं आपके लिए दोस्त। इसमें क्या अलग से था क्या, झूठा हो गया। अरे तुम्हारा झूठा खाने से क्या हो जाएगा, पीने से क्या हो जाएगा, मेरे कुछ भी नहीं होने वाला, प्यार ही बढ़ जाए ऐसे तो लड़ती रहती हो तुम मेट से। नो आंखें दिखाने से कुछ नहीं होता दोस्तों। और हो सका तो अभी जाएंगे दोस्तों, आपको दिखाऊंगा एसी ऊपर लग गया जो हमारे ऊपर वाले भाई साहब, वो बोटी बुआ वगैरह कोई भी नीचे आना ही नहीं चाहती अब है। देख रहे हो ऐसे तो डेली एक दो बार तो मिलने आ जाते थे भाई क्या। और दोस्तों ये कौन सा दिमाग है, पहले दूध फिर रूह अफ़ज़ा पता चले कितनी डल गई। अरे बोतल खाली कर जो बर रहे क्या होते रहे राम आर्या। दोस्तों अभी तो 2 दिन पहले 4 दिन पहले तो लाए थे, 2 दिन पहले 10-15 दिन दोस्तों। ये तो ऐसे करती है, इसका भरोसा मत किया करो आप। क्या कर लेती है, चलो रूह अफ़ज़ा पी लेते दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो लो जी दोस्तों मिलो लामा जी से वापस इतनी बार मिला देता हूँ आपको, तप नहीं जाते कि इसके चेहरे से। खैर 7 साल में मैं नहीं तपा तो आपके तपोगे। तो साथ में आप देख लो दोस्तों रोटी गरम गरम और सब्जी। ओ भाई दोस्तों इसके लिए तो मैं जान दे सकता हूँ, ये तो लांबा को भी पता है। क्यों लाम्बू, कांचे की सब्जी अपनी फेवरेट, लेकिन हुआ क्या दोस्तों गार्लिक सैंडविच खाने के बाद में और क्या था, पिज़्ज़ा चीज़ी वाला खाने के बाद में, सॉरी मार्गरेटा दास्तो
और तीसरा क्या था? क्या बोलते हैं, बोली कि क्रीम रोल खाने के बाद में इच्छा तो नहीं हो रही लेकिन फिर भी खा लेंगे। अब आप बोल रहे हो तो इतना कौन बोल रहा है? तुम बोल रहे हो ना, काजू की सब्जी छोड़ नहीं सकता ना मैं। रामू रावी दीदी का और आई लव यू संजना है क्या? आई ये दिल ये यू आई लव यू संजना, और ये कौन लिख सकता है दोस्तों? मैं नहीं। ये क्या लिखा है? ये दिल राजिका, राजिका। और तो दोस्तों ये लिखने वाली है राजिका की, सॉरी मिस राजिका हमारी ये, और मिस राजिका ओरिजिनल रावी जो लिख के गई है। हाँ किसी ने दोस्तों एक गलत कमेंट किया, गलत तो मतलब नहीं किया लेकिन बस उसका वे गलत निकल रहा है। वो बस ओनली खेल रही थी इनके साथ। उन्होंने बोला था सही ज्ञान दो या ऐसे मतलब लखन सिखाओ या कुछ, तो दोस्तों वो मजाक है। हकीकत में ऐसा करेगी तो पहली बात, अगर करेगी तो हम कैमरे पे नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम ज्यादातर सारी चीजें बता देते हैं कैमरे पे भी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो जानबूझ से करी, वो हम खेलते हैं तो बस करती है। वो हम ऐसे मस्ती करते हैं, मेरे और उसकी लड़ाई हमेशा ऐसे चलती रहती है। हाँ और तो आपको गलत लगा तो भाई साहब सॉरी, लेकिन बात ऐसी कि वो लखन नहीं है, वो उसके नॉर्मल खेलने के स्टंट है, तो वो करती रहती है हमारे साथ। कचरी गाड़ी आ गई है ना बांद्री, वो दुकानों के सामने दुकानों में जाएगी वो। तो दोस्तों देखिए रावी को मिलके आता हूँ ऊपर जाके। क्या हो गया बताओ दोस्तों? देखो अमरूद का पेड़ भी गायब, गोभी भी गायब, इनमें से बस ये बची हुई है। और वो भी देखो, ये देखो एसी वाले लोग आ गए ऊपर। ये भी सूख गया, ये नहीं सूखा बस इससे। और ये भी सूख गया, सारे सारे धूप इतनी भयंकर पड़ रही है। देखो ये सूख गया, ये सूख गया। बोलो इतने सारे पेड़ थे हमारे, अच्छे अच्छे सब सूख गए ना। अब छेड़ो मत उसको, ज्यादा समझदार नहीं हमारे पेड़ों को। और दोस्तों ये देख लो दोनों की मीटिंग है तो हो रही है यहाँ पे। अरे लोगों के चेहरा ही चेंज हो जाता नहीं क्या? क्या हमारे पेड़ों को किसने काटा? इसने ऐसा नहीं। हाँ हेलो एसी वाले लोग, एक ही दिन में कलर साफ हो गया पता ही नहीं। मेरा साफ ही है, मन से इंसान साफ है। पिंटिया ओ पिंटिया इधर, कैसे राजी हो रही है? भाई साहब एसी लगते हैं, मैं सबके चेहरों पर अलग ही दिख रहे हैं भैया आज तो। ये लो मैं देता गोरा। ओ नो क्या बोल रहे हो? पानी चला रही हूं। वैल्यू भाई साहब ये पता नहीं कौन सी वैल्यू दिखाना चाह रही है मेरे को। ले जाओ इसको, ले जाओ समाज सेवा वाले को। तो नीचे ले चलो, वो है जो भी वो खराब हो जाएगा। ठीक है मैडम, और कुछ? अरे उधर नहीं, इस वाले में लेके जाओ। और कैसा फील हो रहा है आपको एसी लगने के बाद? ठंडा अभी लग रहा होगा कि बाहर नहीं निकले तो बढ़िया, कॉलेज वॉलेज गए सब चक्कर। हमने भी ना ऐसे 27 पे करके रखा था नॉर्मल, ऐसा भी नहीं कि भाई एसी से बाहर निकल ही नहीं पाओ। ऐसे ही हम रखते तो 27-28 हमारा रहता है, हमारा तो बल्कि 29 रहता है हमारा वाला तो। इसके चक्कर में भी रहता है ना ज्यादा, और आपका रूम पे ही को जाता है, हमारे में गर्मी ज्यादा रहती है। वो तुम पैसे वाले हो ना, पैसे वाले वाले काम किया करो। हाँ जी मूड सब मूड से ही हो तो सब कुछ कर लेते हैं। आज तो सामने से बोल, अरे बुआ खाना नहीं खाओगी क्या? चलो ना बैठ के आओ, चलो बाबू उसमें पेड़ ही नहीं है। मम्मी भी आ गई ऊपर, उस वाली में ले चलो। अरे नहीं चलो, अभी तक सूखा पड़ा है। अरे तो बाबू इसमें पेड़ ही नहीं है, हमारे पास का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो बनेगा ये तो पूरा हो जाएगा थोड़े दिनों में, जब तक जो भी है। ये देखो थकी हारी आई है जिंदगी से दुखी, घूम रही थी गोल घुमाओ। कोई बात नहीं, बस बस फिर आंधे उसको पानी मिलते दोस्तों आप सबसे देर में। क्या बोला इसने, क्या बोला बताओ? लटक रही थी उधर रेलिंग के, अच्छा मना कर दिया, लटके मत इधर, ये बुआ सबसे गंदी बुआ है। ये बुआ दोस्तों सही में बहुत गंदी बुआ है। अच्छा चढ़ने दो इसको कुर्सी पे से रेलिंग के ऊपर देखने के लिए, ये हो लगा के रेलिंग के पास और उस पर से चढ़ के देखना। तुम्हारा काम क्या है? ध्यान रखना। ध्यान ही रख रहे थे, मना कर दिए इसीलिए नाराज हो रखी थी। आए बाड़ी तो गिर गया, अरे पानी बिखर रहा, बंद करो। क्या पागल हो आप? ओए सॉरी बोलो। ठीक है सॉरी, वेरी गुड, सॉरी जी। आ जाओ जी आ जाओ, ये देखो हंस रही है पटेल जी।
एसी चेक करने है आपका। बॉय साहब ये देखो इधर तो पेटी पैक कर रखे हो लोग, गलती से कोई हवा खा ले। वो पढ़ने नहीं पढ़ने वाले बच्चे देखो आज पढ़ाई कर रहे हो भाई। 25 और कर रखा है इसको इतना ठंडा। दोस्तों ना तो ये कभी पढ़ने वाली है ऐसे और ना ये पढ़ने वाला। अब ये वाली है ना, अब ये पूरी ठंडी हवा होती है तो आराम से कहीं सो कहीं करो कुछ भी। ये ऊपर मोबाइल पे लगी लगी भाग के आई नीचे, मतलब पता नहीं क्या करने गई। वो बॉय है एसी में बैठ के पढ़ेंगे। बोलिए एग्जाम दिख रहा था एग्जाम ऊपर। तो पूजो आई जब से पढ़ रही हूँ मैं। जब से ये देख रहा हूँ इधर उधर डोलते नहीं है अभी कुछ कर रही हो तो आप भी देखते पढ़ते भी देखते। ओहो फिजिक्स एक्सपर्ट अभी तो ऐसी ही हो। नोट्स वाली अच्छी बनाता है ये तो देखिए मैंने। नया मेंबर बढ़ जाओ। तो लो जी दोस्तों रावी मैडम बैठ चुकी है अपनी सीट पे और रावी मैडम अब आपको बताएगी रावी के लिए क्या क्या है आज। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आज क्या है। इतने दिनों बाद हमने ऑर्डर किया था आज जाके आया है। एक तो है ये पायदान, ऐसा का ऐसा एक और पायदान आया है। हाँ तो रुको बता रहे हैं ले जाओ। तो दोस्तों देखो ये आए हैं कवर। तो ये कवर कौन सा है ये अर्थ दिखा दो सही। ये है पहले तो वॉश बेसिन के लिए, हाथ साफ करने के लिए, टांगने के लिए। और उसके साथ में आए हैं एक तो ये कवर आया है और ये वाले कवर रिपीट कर दिए। देखो पहले भी मंगवाए थे यही वापस कर दिए क्योंकि ये मम्मी को प्रिंट अच्छा लगा। और एक प्रिंट ये वाला देख ही लिया आपने, ये दो है। ये एक ऊंट वाला हो रहा है ये देखो, ये देखो हाँ ये देखो हाँ सेम टू सेम मंगवाए, पैसे जाता है मम्मा के पास। और साथ ही साथ में अब क्या आया दिखाता हूँ आपको, रावी के लिए स्कूल बैग। Yes, और ये तो कैसे बैठे ऑडियंस हमारी निकाल के दिखाओ। अब देखो सबसे पहले तो दिखाते हैं बैग आपको कैसा लगा। दोस्तों देखो डिज्नी बैग है और साथ में रावी के लिए एक छोटा सा वो भी क्लच बोलते हैं इसको वैसे शायद। क्लच नहीं बोलते, क्लच तो पर्स होता है। ये देखो प्रिंसेस, प्रिंसेस। और देखो इस पे क्या लिखा, इस पे लिखा हुआ है डिज्नी प्रायोरिटी। पीछे से भी बहुत अच्छा है ये देखो, पूरा रिव्यू देगी दोस्तों आपको। हाँ पीछे से ऐसे था। वेरी गुड। अब चलो खोल के दिखाओ इसके अंदर क्या क्या खजाना है। अब दोस्तों देखना है इसने क्या क्या छुपा रखा है इसके अंदर। बहुत चंट है ये लड़की, किसी को कुछ नहीं बताती। लेकिन ये देख लो भाई, सबसे पहले है रावी का लंच बॉक्स। हाँ, इसके अंदर भी है। इसको खोल के दिखाएगी। और रावी दीदी देखो हाँ, ये देखो सबसे पहले टिफिन बॉक्स है दिखाओ। ये है प्लास्टिक का है तो इसमें रोटी वगैरह भी ले जा सकती है, फ्रूट्स वगैरह भी ले जा सकती है। ये देखो अंदर से। हाँ दोस्तों ये अंदर से ठीक है। क्या लेके जाना इसमें? है ना, मैं इसमें खाना फ्रूट्स लेके जाऊंगी और इसमें एक रोटी, दो दो रोटियां बड़े हो गए और इसमें सब्जी। वेरी गुड। तो इसको रख दो, माँ को दे दो, मम्मा को पैक कर देगी। और तेरी भाई यही करेगी। बंद कर अब इनको यहाँ रखते जाओ पास में ताकि दिखे कि यहाँ पे क्या क्या है। ये भाई तुमसे भी खतरनाक है। डिज्नी कैरेक्टर्स है। ओहो ये रख लो पास में। तो दोस्तों ये तो हो गया फर्स्ट आइटम। अब सेकंड आइटम खुलने वाला है रावी। ये है रावी के नाइट सूट, कार वाला है दोस्तों। खोल के सही से दिखाओ, लगा के दिखाओ। हाँ ये देखो दोस्तों नाइट सूट कैसा लग रहा है, बाबू के ऊपर दिखाओ। और वेरी गुड। बस बस और पजामी, पजामी। ये नाइट सूट की पजामी, पजामी तो जरूरी है। पजामी के बिना हम बाहर नहीं निकलते हैं। वेरी गुड। ये ड्रेस समेट के समझना सही से, साइड में रखो। और दिखाइए और क्या है। एक और नाइट सूट दोस्तों, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगा था मैं फ्लावर्स वाला भाई। और ये देखो, ये ठीक देखो सब पास में करो बेबी। ये देखो, अरे यू नहीं यू करो। ये देखो दोस्त इसको भी पकड़ो, यहाँ से पकड़ो। ये देखो दोस्तों प्रिंट का एक ही नंबर आया भाई। पजामी दिखाओ इसकी, पजामी इतनी खुश हो रही है दोस्तों भाई पूछो मत इसके। ये देखो पजामी भी प्रिंटेड। वेरी गुड। ये पेट तक तो आ रही है, पेट तक तो आ रही है ना, तो सही है ना, पेट तक ही आना चाहिए। लो और दिखाओ 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 जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास अभी। क्या इतना
ये देखो रावी की नई वाटर बोतल, इसको ऐसे खोलते हैं। एक जादुई का हाँ, एक सीक्रेट है इसका। हाँ दिखाओ। अच्छा, और मैं तो पता उसको पकड़े खेल रहा था। मम्मी पता याद है आपको? सीक्रेट वर्स, वेरी गुड। और बताओ, और बताओ क्या है? टाइम नहीं है हमारे पास, रखना सिंदर ने इसको प्यार से जमा के। यस, और कुछ था भी क्या? अब तो बैग ही है बाबू लास्ट। अरे यूँ देख, नहीं है कुछ, बुक्स है क्या इसमें? ये तो स्कूल की बुक्स है, चलो छोड़ो। तो दोस्तों आपको राबिया कैसा लगा आइटम? और साथ में मैंने आपको बता दिया पायदान आए थे ये वाले दो, बुक वगैरह इसने रख दी है। वेरी गुड। तो दोस्तों कैसा लगा सब कमेंट करके बताओ, सबसे अच्छा क्या लगा ये भी बताओ। हाँ, एक बार जादू दिखाऊं? और क्या जादू दिखाते रहते हो आप? इसका जादू देख लो दोस्तों, ये वरना बोल नहीं देगी मेरे को। पेंसिल वेंसिल नहीं है। हाँ, अब दिखाऊं आप गिली गिली छू? ये देखो। ओह नो दोस्तों, इसको जादू आता है। रावी कहाँ से सीखा आपने ऐसा जादू? हैं? भगवान ने सिखाया। भगवान ने सिखाया? बड़े सब मम्मा की नानी ने सिखाया, भगवान के पास सीख गई है वो। अरे भाई ठीक है बाबू, ठीक है। चलो दोस्तों आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। जिसको जो जो अच्छा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो। सबसे अच्छा ये बैग और ये लगा अच्छा, और ये तो फिर बच्चा क्या मेरी अम्मा? सबसे पूछो क्या क्या अच्छा लगा, मेरा सबसे अच्छा क्या लगा? सामान में क्या लगा अच्छा, जल्दी बताओ दोस्तों। देखो बैग, बैग, नाइट सूट, टिफिन, बोतल और रावी। आपको रावी भी अच्छी लगी है तो आप भी बता सकते हो। ओके, पेंसिल बॉक्स है। आपको भी चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, देखो इंस्टा आईडी पे देखो। आपको भी चाहिए तो और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। तब तक के लिए आज के ब्लॉग को करते हम यही एंड। सब्सक्राइब भी करते हैं स्टूडेल के लिए। ये लंबा तुमसे बड़ी यूट्यूबर बनेगी, लिखवा लो मेरे से आज। तो आज के ब्लॉग को दोस्तों यही करते हैं एंड। कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। और इसकी बातें मान लेना बस थोड़ी सी, ये हमारी बच्ची राजी हो जाएगी। मेरे बच्चू नहीं किया तो 10 घंटे तक चाटर मारते हूँ। ऐसे नहीं करते, सॉरी बोलो पहले, सॉरी बोलो, गंदी बात नहीं, सॉरी बोलो। इसको हटाओ, समझना ये क्या, ये खराब नहीं होता इसलिए। चलो पहले सॉरी बोलो जल्दी। सॉरी जी। वेरी गुड, सॉरी जी। गुड नाइट कर दो, गुड नाइट कर दो, बाय बाय जल्दी से। ओए होए रावी ध्यान रखिए।